नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज का दिन हमें मिलने वाला है हमारे टेस्ट चैंपियनशिप 2020 का सेकंड फाइनलिस्ट। हालात ऐसे हैं कि मुझे तो भाई रिजल्ट दिख रहा है आज के मैच का, या तो इंग्लैंड या तो न्यूजीलैंड। कल के दिन पूरे दिन बैटिंग किया इंग्लैंड ने, वो भी इस कंडीशन में जहां पे लग नहीं रहा था कि बैटिंग करने लायक है। न्यूजीलैंड इस समय बैटिंग कर रहा है और अच्छी खासी लीड ली थी यहाँ पे, 165 रन बनाए, 165 की 161 की लीड जीतने के लिए चाहिए था न्यूजीलैंड को। आज बैटिंग में आ रहा है, 5 रन कल किए थे 2 ओवर में। प्लेइंग कंडीशन आज कह रही है बाउंस अनइवन है, बहुत ही खराब बैटिंग टीम के लिए। लाइट ऑलरेडी खराब है, मतलब बैटिंग के लिए और खराब है। वियर होने की स्टाइल, गेंद की स्टन होने की स्टाइल थोड़ी बहुत यहाँ पे खराब हो रही है, यहाँ पे बैटिंग और खराब है। और बैटिंग के लिए चारों जो मार्किंग है वहां पे माइनस आ रहा है। एक बात अच्छी है कि सेकेंड सेशन से यहाँ पे धूप खुल जाएगी, थोड़ा मौसम खुल जाएगा, लाइट अच्छी हो जाएगी, लेकिन मॉर्निंग का पहला सेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे 4 में। और डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा था 150 प्लस जाता है अगर न्यूजीलैंड, तो फिर इंग्लैंड अगर जाता है लीड में तो ये मैच ऐसी लाइन पे रुक जाएगा जहां पे दोनों टीमें जीत सकती हैं। इंग्लैंड आसानी से हारेगा नहीं, न्यूजीलैंड आसानी से जीतेगा नहीं। अभी के लिए एंडरसन करेंगे शुरुआत, लाथम और मार्टिन कपटिल करेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग। और पांचवा गेंद, स्ट्रेट चौका, चलिए पहले बाउंड्री, सेकेंड इनिंग की भी ये पहली बाउंड्री है न्यूजीलैंड की, चीज से 143 दूर, 142, बहुत ही धीरे बहुत ही सब्र से बैटिंग कर रहा है। मौसम खुलता हुआ यहाँ पे कपटिल का चौका, फील्डर हैड नो चांस, दूसरी बाउंड्री लगी है यहाँ पे, 40 रन के पार जाता हुआ, 50 के करीब न्यूजीलैंड, और ये बड़े शॉट के साथ 4 रन। He knew that was 4 from the moment it hit the bat. मैंने पहले ही कहा था ये मैच क्लोज होने वाला है ऑन पेपर, लेकिन अगर न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया बैटिंग कर जाता तब तो कोई बात ही नहीं है, या फिर बहुत इंग्लैंड बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर लेता। That's a beautiful shot, 4 all the way. लेकिन जो ऑन पेपर सिचुएशन थी वो यही कह रही थी कि मैच रोमांचक होगा, लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड बहुत ही बढ़िया, That's a confident appeal. बढ़िया नहीं है, पहला विकेट हो रहा है। The umpire took his time, but it certainly looked out. लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जी हाँ, न्यूजीलैंड इस मैच में आगे। इस वक्त पहला विकेट अभी खोया है, 60 बना चुका है, अच्छी पार्टनरशिप कहूंगा मैं। जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशन है वहां पे बढ़िया खेले लाता हम 70 में 32। मार्टिन कपटिल साथ दे रहे हैं और कैन विलियमसन ज्वाइन करेंगे इनको। अग्रेशन लेवल मैंने कुछ नहीं रखा है, नॉर्मल ही बैटिंग कर रहे हैं हम लोग। और स्पिनर ने स्ट्राइक किया था, हम देखते हैं रशीद जी, नहीं, 4 रन्स ऑल द वे, क्या निकला है शॉट, फील्डर का अटेम्प्ट उसके बावजूद निकल गई है गेंद, सन न देखे। यहाँ पे एक और चौका, ब्यूटीफुल शॉट, 4 रन्स। कपटिल न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद है, और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो ये प्लेयर का फॉर्म बहुत बड़ा रहा, बिग शॉट प्ले करेगा, नॉट आउट लग रहा है, लेकिन नहीं, ही गॉट टू गो, बिकॉज़ से लेग स्टंप और मिडिल के बीच में लगी है गेंद, बहुत क्लोज, ऑलमोस्ट कॉर्नर टच करके गई है स्टंप्स का, लेकिन नियम के हिसाब से आउट है, एम्पायर ने आउट दे दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरा विकेट यहाँ होता हुआ 90 रन, अभी भी अच्छी खासी दूरी होती है इस पिच में, एक्सलेंट इन स्विंग होती हुई कि नीचे भी रह रही है, जैसा मैंने कहा जैसे पिच कंडीशन है, मैं तो नहीं कह रहा, जैसे पिच कंडीशन है उस हिसाब से। 10 मिनट का खेल बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी ओवर होगा, इसके बाद एक और हो सकता है। विलियमसन, व्हाट अ गुड स्ट्रोक, बढ़िया स्मैशिंग शॉट, शॉट खेलो तो ऐसा खेलो विलियमसन जैसा खेलते हैं, बाउंड्री सीधा, बैटलिंग लेग साइड चौका, बैकफुट पे शॉट, इट्स अ क्रैकिंग स्ट्रोक, 4 ऑल द वे। अधिकतर गेंदें डॉट जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से रन निकाल ले रहा है न्यूजीलैंड, ये अच्छी बात है। 75 की दूरी रह गई है, 2 विकेट जरूर गंवाए हैं न्यूजीलैंड ने, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा मैच पकड़ बना के रखी है। पार्टनरशिप यहाँ देख सकते हैं, पहली विकेट के लिए अच्छी बनी, दूसरा जल्दी टूटी, लेकिन अभी तीसरे विकेट की कोशिश जा रही है। अगर आप देखेंगे बैटिंग कार्ड तो बहुत तेज खेल रहा है, एटलीस्ट पहली इनिंग से अपने बेहतर खेल रहा है न्यूजीलैंड की पहली इनिंग से, थोड़ा इंग्लैंड की दोनों इनिंग से धीरे खेल रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपके पास 2 दिन है ऑलमोस्ट और 5 सेशन है एटलीस्ट मिनिमम, और आपके पास रन सिर्फ 75 कर रहे हैं, मतलब पर ओवर अगर 1 रन से कम लेते हो तो भी चलेगा, और ऐसा तो होगा नहीं। That's 4 चौका, विलियमसन ले जाते हुए नजदीक, साथ मिला है बैटलिंग का, एक्चुअली उल्टा कह दिया मैंने, बैटलिंग को साथ मिला है विलियमसन का, यहाँ चौका है। That's 4 more. जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की पिच है, मुश्किल लग रहा था 50 बनाना, लेकिन यहाँ पे बैटलिंग पहुंचते हुए, और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुका है। Well bowled. लगातार बीट होते हुए एंडरसन की ओवर में बदलाव देखने को मिला, गेंदबाजी में एंडरसन और ब्रॉड को वापस से लाया गया है जो इनके ओपनर्स बल्लेबाज हैं, तो
देख सकते हैं आप लोग, कोई बड़े शॉट नहीं खेल रहा न्यूजीलैंड, एक रन दो रन दो रन एक रन, कई बार मैडन ओवर भी जा रहे हैं पर उसका कोई टेंशन नहीं ले रहा। एक्सेलेंट प्लेसमेंट, और यही अप्रोच से हेल्प करेगा। चौका लगाया 6-5 रन आए ओवर से, बेन स्टॉक्स को बुला लिया गया है। फैबुलस डिलीवरी, गेंदें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, लेकिन जब तक विकेट नहीं मिलेगा तब तक उन अच्छी गेंद का उतना महत्व तो नहीं रहता। 30 की दूरी, 14 मिनट का खेल बाकी है। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार स्ट्राइक रेट दोनों बल्लेबाजों का, बहुत सब्र से बैठे। 32-35 के आसपास होना चाहिए। देखिए 22 का है, 111 गेंदों में बैटलिंग, 25 रन किया है सिर्फ इन्होंने। विलियमसन 115 में 41-35 का स्ट्राइक रेट, और 115-111 गेंदें लगभग बराबरी की गेंदें खेली है दोनों ने। चीज से बस अब कुछ ही दूरी रह गई है, फाइनल दिखता हुआ नहीं न्यूजीलैंड को, यहाँ पे इंग्लैंड के हाथ से निकल गया है ऑलमोस्ट। इस टाइम दैट ब्यूटीफुली, दैट्स 4, 16 की जीत, और टी इंटरवल पड़ गया है, रोक लिया यहाँ पे न्यूजीलैंड को जीतने से। कोई बात नहीं, 30 ओवर है, आज के दिन तो जीत मिलनी तय ही है। 47 पे नॉट आउट विलियमसन, वैटलिंग, एक्चुअली मुझे कंफ्यूज हो गया था मैं वैटलिंग और लाथम में, इसलिए मैं लेकिन एक्चुअली लाथम ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। वैटलिंग यहाँ पे चौथे नंबर के बल्लेबाज है, 122 गेंदों में 28, अच्छी पार्टनरशिप, 75 रनों की इनिंग की सबसे हाईएस्ट, और कंपेयर करें पिछली 3 इनिंग की तो वो भी हाईएस्ट ही है। जीत के करीब यहाँ पे पहुंच रहा है, और अब देखते हैं कर पाता है या नहीं। 15 यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए, और बैटिंग शुरुआत होती हुई ब्रॉड, एंडरसन विकेट की तलाश करते हुए। That's a very risky run. Quick single. But they're home. Well run. A round of applause goes up for the half century. 150 up. But he took off like an express for that. Luckily his partner did too. ज़्यादा ही कमेंट्री कर दी यहाँ पे। That's a wonderful catch. He's out. वैटलिंग यहाँ पर बनते हुए शिकार। बढ़ेंगे हम अगले गेंद की तरफ, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एंडरसन, रोश टेलर और ब्रॉड यहाँ पे सामना कर रहे हैं। जी से थोड़ी दूरी पे ही रह गया है यहाँ पे, और टेलर की यहाँ पर बढ़िया बाउंड्री, अपील परफेक्ट यार, नॉट आउट, लेकिन फिर भी बच गए। ऑलमोस्ट मुझे लगा कि इंजरी हुई है, लेकिन ठीक है अभी बल्लेबाज फिट है, विकेट मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ेंगे हम आगे, 2 रन की दूरी, मोस्ट प्रोबेबली इस गेंद पे आ जाए, 1 की दूरी रह गई है, और विनिंग शॉट विलियमसन के बल्ले से निकलता हुआ, और न्यूजीलैंड यहां बुक किया टिकट। बहुत बहुत बधाई जाएगी यहाँ पे न्यूजीलैंड के फैंस को, यहाँ पर 7 विकेट से जीता ये मैच। मैन ऑफ द मैच बनते हुए विलियमसन, क्या कमाल किया, पहली इनिंग में 76, दूसरी में 53 नॉट आउट, अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में पहली इनिंग में पहुंचाया, दूसरी इनिंग में जीत के पार लगाई नैया। 39 मिनट का खेल बिगड़ा था, पहली बार ऐसा हुआ हमारे टूर्नामेंट में कि बारिश के कारण गेम को नुकसान हुआ हो। अब इंग्लैंड की कमी तो रही है, मैं मानूंगा ये बात। एंडरसन फ्लॉप, 18 ओवर के बाद ब्रॉड को कोई विकेट नहीं, स्टॉक्स को कोई विकेट नहीं, रशीद को 2 मिला, लेकिन 7 की जरूरत थी। लीज एक बार फिर यहाँ पर सफल नहीं हुए, पिछली बार कम ओवर मिले थे तो आप कह सकते हो ठीक है चलो, जैसे कि पिछली बार लीच को 10 मिले थे, 24 दिया था, कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन आज भी 7 दिए हैं, लेकिन पिच जिस तरह से थी विकेट निकालना था इन सभी को, ब्रॉड, स्टॉक्स, एंडरसन को भी एक आध और निकालने थे, लेकिन कर नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने खराब गेंदबाजी की, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में विलियमसन, गप्टिल, लाथम सबने सब्र से बैटिंग की। बैटलिंग देखी 132-29, और यही जीत का कारण बना है यहाँ पे। 79 की जो पार्टनरशिप बनी है तीसरे विकेट की, इस मैच में वापस ला दी थी न्यूजीलैंड को, और ये है सेमीफाइनल का रिजल्ट। न्यूजीलैंड पहुंचा है फाइनल में, भिड़ेगा इंडिया से, और हम बनेंगे इंडिया में, पहले ही क्लियर कर दूं। और मैं तो थोड़ा घबराया हुआ तो हुई न्यूजीलैंड से, क्योंकि गप्टिल का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन देखिए अच्छे फॉर्म में, अधिकतर सभी खिलाड़ी टीम एफर्ट में दे हैं। यहाँ पर देखिए लाथम यहाँ पर अच्छी बैटिंग की थी, यहाँ पे गप्टिल सेकंड इनिंग में अच्छा खेला, विलियमसन अच्छे हैं, वैटलिंग अच्छा खेल रहे हैं, टेलर भी बढ़िया खेले सेकंड इनिंग में टिके हुए हैं, तो फिर मजा आएगा इस मैच में, फाइनल में। और जो भी है जैसा भी पता लगेगा आने वाले वीडियो में, अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल पे देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।